आपको बता दें मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सूजापुर धमेड़ा कीरत का है, जहां आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन करंट की चपेट में आकर एक पशु को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग से इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई विद्युत विभाग की ओर से नहीं की गई। पहले भी कई बार पशु करंट की चपेट में आकर हादसे के शिकार हो चुके हैं। घटना के वक्त भैंसा बुग्गी में 4 लोग सवार थे। अगर ये लोग करंट की चपेट में आ जाते तो इस सब का जिम्मेदार कौन होता, या फिर बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। भैया, मैं यहाँ पे नाल लेने आया, सुबह के टाइम में नाल लेने जाते हैं डेली। यहाँ पे जो 11 की लाइन आ रही है, बिजली उतर देती है। यहाँ पे कई बार हमने शिकायत भी करी है इसकी, किस तार को सही करवा दो, पर इसे कोई सुनता नहीं है। हेडल वाला और हम बुग्गी लेके जा रहा, कटरा का हमारा मुंह लग गया इससे, गलती से इधर घूम गया तो कटरा मर गया, हमारे बिजली ने पकड़ लिया। तो कई लोग सवार थे बुग्गी में जब ये करंट, 4 लोग थे और हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वरना हमारे बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कहाँ से? धमेड़ा सूजापुर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।